चलिए देखिए, क्लास कितना है? क्लास 7 है और विज्ञान है, ठीक है। और हमें लग रहा है कि कौन सा अध्याय है, फर्स्ट अध्याय है कि नहीं? अध्याय क्या है? फर्स्ट है। और चैप्टर के नाम है जल और जंगल। क्या? जल और जंगल। जल और जंगल से हम लोग क्या समझते हैं? इनको हम एक एक करके बताएंगे कि जल से हम लोग क्या समझते हैं और जंगल से क्या समझते हैं। पहले आज हमें लग रहा है कि जंगल, जल के ही बारे में हम कुछ ज्ञान बताएंगे और जंगल के अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए, पहले समझिए कि जल क्या होता है। जल का पुनः पूर्ति किस तरह से होता है? जल हमारे पृथ्वी पर लगभग कितना है, ठीक है? तो हमारे पृथ्वी पर लगभग जल कितना प्रतिशत है? 71% पानी है। कितना प्रतिशत है? जो कि 71% पीने योग्य पानी नहीं, ठीक है? पीने योग्य पानी 71% है? नहीं है। लगभग 2 पॉइंट कुछ समथिंग जो है पीने योग्य पानी है, लेकिन उसी 2 पॉइंट समथिंग भाग से क्या होता है, कुछ कुछ हिमालय यानी कि हिम यानी कि बर्फ में मिलता है, बर्फों के रूप में मिलता है, तो कहीं वाष्पीकरण के रूप में मिलता है, तो नदी उदी झील उल होता है उसमें मिलेगा, ठीक है। और कुछ भाग जो होता है 0 पॉइंट समथिंग कुछ भाग जो है पृथ्वी के अंदर, तो बताइए कितना कम पानी पीने योग्य है। 71% पानी है जो कि पीने योग्य नहीं है, खारा है। क्या है? खारा है। ऐसे यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि खारा, इसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा होता है, ठीक है, यानी लवण और छारक की मात्रा इसमें ज्यादा मिलती है, नमक ज्यादा रहता है। देखिए, तो समुद्र के पानी पीजिएगा तो नमकीन अभी स्वाद में दिखाई, कैसा स्वाद लगेगा उसका, नमकीन, ठीक है। तो देखिए, हमारे यहाँ पृथ्वी पर जो पानी है उस पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमि के अंदर पानी, भूमि के अंदर पानी हो उसे क्या कहते हैं? भौम जल, ठीक है। भूमि के अंदर पानी हो उसे क्या कहेंगे? भौम जल। भौम जल बोलते हैं, ठीक है। और देखिए, भूमि के अंदर पानी हो उसे भौम जल या तो जल भर बोलते हैं, लेकिन इसका जो है जल स्तर भी होता है। भौम जल का जो है स्तर भी होता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पानी यानी कि ये जो है नलकूप, नलकूप यानी कि कल है, कल के पाइप जो है पृथ्वी के अंदर डाला जाता है ताकि उससे क्या करेंगे, हम पानी को निकालेंगे अंदर से और वहां जाते हैं जहाँ पृथ्वी के अंदर भौम जल की स्तर हो। क्या चीज के स्तर हो? भौम जल यानी कि भूमि के अंदर जल के स्तर हो, वहां पे जाते हैं और मिस्त्रियों के द्वारा हम वहां पे क्या करते हैं, पाइप डलवाते हैं और वहां से हम पानी को निकालना शुरू करते हैं। या तो चापाकल हो, या तो हैंड पंप हो, अच्छा है पंप पंपू सेट मशीन हो, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, पानी को निकालने का प्रयास करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अब अचानक लगातार निरंतर इसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकालते गए निकालते गए निकालते गए निकालते गए। तो बताओ इस स्तर का, इस जल भर का, बताओ इस जल का स्तर गिरेगा कि नहीं, इस जल का स्तर गिरेगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ के पानी हम निकालते गए, धीरे धीरे ज्यादा निकाले तो ये सब पानी यहाँ के क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बताओ धीरे धीरे हमारा कल सूखने लगेगा, तो जल स्तर गिर गया कि नहीं? तो जल स्तर के पुनः पूर्ति होती है कि नहीं, ये सोचने की बात है। क्या? तो जल स्तर के पुनः पूर्ति होती है, लेकिन किस कारण होती है? तो वर्षा के कारण। वर्षा कैसे होती है? तो वर्षा में मुख्य कारण होता है जल चक्रण, ठीक है। तो जल चक्रण आपसे पूछा जाए कि जल चक्रण क्या होता है, जल चक्रण आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो जल चक्रण में होता क्या है कि पानी जो है तालाब हो, झील हो, ठीक है, तालाब झील और जो है अन्य प्रकार की किसी भी तरह से जो पानी होता है, पानी की मात्रा हो, वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जलवाष्प होता है। क्या होता है? जलवाष्प। और वे जलवाष्प होकर
क्या होता है, वे जलवाष्प हो जाता है। क्यों जलवाष्प होगा? तो सूर्य के प्रकाश के कारण। पानी का अगर पानी में हम ज्यादा ताप दे देते हैं तो वो वाप बन जाता है। क्या चीज बन जाता है? वाप बन जाता है। तो वही पानी का एक रूप बन जाता है, जैसे पानी का रूप को हम बोलते हैं गैसीय रूप, और उस गैसीय रूप को हम जल वाष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल वाष्प बोलते हैं। या सर पानी के कोई और रूप होता है तो ठोस भी होता है। क्या होता है? ठोस होता है, जिसे ठोस रूप को हम लोग बर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्फ बोलते हैं। या पानी के कोई और रूप होता है तो पानी के एक और रूप होता है जिसे पानी के रूप पानी में कहते हैं, यानी कि द्रव लिक्विड। क्या जी? तो पानी के एक और रूप होता है जिसे हम कहते हैं द्रव। द्रव द्रव जो कि अब आपसे प्रश्न उठाएगा लोग, क्या कि कौन से अवस्था को हम लोग पीते हैं, पानी के कौन सा अवस्था को पीते हैं, गैसीय अवस्था को पीते हैं कि ठोस अवस्था की, द्रव अवस्था को? द्रव अवस्था को हम लोग पीते हैं। तो यहाँ पे जब क्या होती है, बारिश होने से पहले हमारे वातावरण में जो है सूर्य के प्रकाश के कारण, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के कारण जल वाष्प होता है पानी। ठीक है, पृथ्वी पर पानी फेंक दिए तो या तो जल वाष्प हो जाए, न तो पृथ्वी के अंदर इसके चला जाता है। इसका अच्छा उदाहरण लेना चाहते हैं तो एक चलनी लीजिए, उस चलनी के ऊपर क्या करिए, माटी भर दीजिए, और माटी को भर के ठीक है थोड़ा सा खाली जगह छोड़िए। क्या चीज करेंगे? थोड़ा सा, मान लीजिए कि चलनी है तो ये टोटल को नहीं भरेंगे, ये इतना सतह छोड़ेंगे। ठीक है, क्या छोड़ेंगे? मान लीजिए कि ये चलनी है तो पूरा नहीं, इतना ही भरेंगे माटी, मिट्टी को कितना भरेंगे, इतना ही भरेंगे। अब इस मिट्टी को हम इतना भरते हैं, अब बताओ नीचा छिद्र रहता है चलनी के नीचा, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ तक क्या करते हैं पानी भरते हैं। ये रीस रीस कर कहाँ निकलेगी? नीचा। ठीक है, रीस रीस कर कहाँ चले जाएगी? नीचा। बचा हुआ पानी जो मिट्टी में रहेगी वो क्या हो जाएगी, नहीं रिस पाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, जलवाष्प। क्या होगी? जलवाष्प। ये जलवाष्प हो जाते हैं, और वही जलवाष्प क्या हो जाते हैं, धीरे 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 क्या होता है, उसे हवा जो है, हवा के कारण जितना ऊर्जा मिल जाता है, तो कोई भी चीज को ज्यादा ऊर्जा हो जाता है तो वो क्या करता है, ऊपर की ओर उठता है। किधर? ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, कोई भी चीज देखिएगा कि धुआं, यानी कि आग लगाते हैं तो धुआं कभी नीचे की ओर जाते हुए देखे हैं, ऊपर की ओर क्यों जाता है? क्योंकि उसके पास ऊष्मा ऊर्जा ज्यादा है, तो ऊष्मा ऊर्जा ज्यादा हो जाता है तो वो ऊपर की ओर उठेगा। तो जलवाष्प में ऊर्जा ज्यादा हो जाएगा, ताप ज्यादा होगा, तो क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। और जैसे ऊपर उठेगा तो हमें पता है, हमें पता है प्राकृतिक घटना के बारे में कि हमें ये पता है कि जैसे जैसे ऊपर कोई चीज जाता है तो उसका ताप और दाब घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाता है। और पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे ताप और दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण पृथ्वी के अंदर हमें क्या होता है, कुछ तीसरा, पृथ्वी के तीसरा परत में जाते हैं तो कोई पदार्थ क्या होता है, लिक्विड अवस्था में मिलता है, तरल अवस्था में, यानी कि 1700-1600 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा वहाँ पे टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, तो बताओ ऊपर जैसे जाएंगे वैसे वैसे तापमान घटेगा, ताप और दाब घट जाएगा। तो ताप और दाब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसे घट जाएगा, तो बताइए हमें, तो जलवाष्प होगा तो उसका धीरे धीरे ताप और दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ताप और दाब कम होने के बाद क्या हो जाएगा आपका, वे जलवाष्प क्या हो जाएगा, वे जलवाष्प धीरे 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 बर्फ के एक रूप ले लेती, अब वही बर्फ क्या होती है, गलकर बारिश यानी कि पानी में। ठीक है, वही क्या होती है, बर्फ गलकर पानी होती है। लेकिन गलने की पीछे कैसे कोई प्रक्रिया है, देखिए क्या प्रक्रिया है, जब यहाँ पे बादल बन जाता है, ठीक है, क्या होता है भाई, बादल बन गया तो सूर्य के प्रकाश हमारे कहाँ पे आता है, पृथ्वी पर, कहाँ पे आता है, पृथ्वी पर, और पृथ्वी से टकरा कर पुनः अंतरिक्ष में लौट,
है, पुनः अंतरिक्ष में लौटता है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो एक वायुमंडल होता है, गैसों का समूह। ठीक है, गैसों के क्या होता है, समूह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2। क्या चीज, CO2। CO2 के पास ऐसा क्षमता होता है कि सूर्य के प्रकाश जो होता है, सूर्य के प्रकाश को, गर्मी को क्या कर सकता है, वो रोक के रखता है। क्या करता है, रोक के रखता है, ये जाने नहीं देता है। तो वातावरण में क्या होता है, उष्मा यानी कि उष्णता जो है उसका फैल जाता है, उष्ण हो जाएगा वातावरण, क्या हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या होगा, बर्फ जो है धीरे धीरे गलना आरंभ हो जाता है। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, बर्फ गलना आरंभ हो जाएगा और वही धीरे धीरे चूने लगेगा। समझ में आ गया, जैसे तारी चूता है, अब टप 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 चूगा, वही बारिश होने लगती है। क्लियर है, आपको नहीं समझ में रहा है कि सर कैसे हम बता दे रहे हैं आप कि कोई भी चीज होता है वायुमंडल में जल वाष्प कैसे रहता है, आप कभी हमें बता सकते हैं? तो आप अक्सर देखते होंगे स्प्राइट पीते हुए, पीते हैं ना जी, ठंडा स्प्राइट एकदम देखे होंगे, देखे हैं ना, क्या करते हैं, ठंडा स्प्राइट देखे होंगे। तो ठंडा स्प्राइट में आप देखिएगा, ठंडा स्प्राइट में देखिएगा कि जैसे हम फ्रीज से निकालते हैं बाहर, निकालते हैं ना, चाहे बर्फ से निकालते हैं बाहर, तो अंदर ना स्प्राइट रहता है, बोतल के कहाँ पे रहता है, स्प्राइट बोतल के अंदर ना है, लेकिन आप देखते हैं कि आसपास के बोतलों के आसपास में पानी दिखाई देता है, ऐसा महसूस हुआ है कि नहीं हुआ है, एकदम भीग जाता है बोतल, क्या हो जाता है, भीग जाता है कि नहीं भीग जाता है, बताओ, हाँ भीग जाता है ना, ऐसा क्या कारण है कि बोतल भीग गया, ना बोतल में छेद है, बोतल में छेद रहता है, नहीं रहता है, ना बोतल में छेद है, ना हम बोतल को खोले हैं, सील पैक बोतल था, फिर भी उसमें पानी वहां उसके बोतल के सभी कगारों पर जो है, अड़िया पर, कोरों पर, कैसे कैसे आ गया पानी, कहाँ से आ गया, कभी सोचे हैं, नहीं सोचे हैं, बताइए कहाँ से आ गया। तो वायुमंडल में क्या होता है, जलवाष्प भी होती है, क्या चीज, जलवाष्प भी होते हैं, और वही जलवाष्प क्या होते हैं, जलवाष्प गर्म होता है कि ठंडा, आपसे पूछा जाए कि जलवाष्प बताइए, जलवाष्प जो है, जलवाष्प गर्म होता है कि ठंडा, पानी की अपेक्षा गर्म की ठंडा, अच्छा ठंडा रहता है तो गैस बनता है, गर्म होता है, क्या चीज होता है, गर्म होता है, गर्म है तभी ना वो गैस है। अब आपसे पूछा जाए कि बर्फ बताओ, पानी की अपेक्षा ठंडा होता है कि गर्म, ठंडा, ठंडा है तभी ना बर्फ जमा, का गर्मी के दिन में हो करे गर्म, बताओ, गर्मी के, जब गर्म रहता तो गर्मी के दिन में ना बर्फ जमता कि ठंडी के दिन में बर्फ जमता, कश्मीर में जाइएगा, कश्मीर में ध्रुवीय प्रदेश में जाइएगा तो देखिएगा वहां पे ठंडी पड़ती है, ठंडी पड़ती है ना, तो वहीं पे बर्फ, इसका मतलब है कि ठंडी के कारण जमती है, तब तो वो कह रहे गर्म होता है बर्फ, कहना ऐसी नजर से देखिए। अब बताओ जलवाष्प को कह रही है ठंडा, जलवाष्प क्या होता है भाई, गर्म, और बर्फ क्या होता है, अब पानी एक प्रकार के नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है, ठीक है, जैसे हम लोग पीते हैं कि नहीं, अगर वही पानी के टेम्परेचर बढ़ गया तो जलवाष्प, घट गया तो बर्फ, उसी पानी के टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या, जलवाष्प, घट गया तो बर्फ, कैसे सर, तो आप उस पानी को ले लीजिए, अदहन धो दीजिए या खौलाइए, तो क्या हो जाएगा, कुछ देरी के बाद खूब बाफ भर के निकलता है कि नहीं, तो गर्म हो गया यानी कि टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या हो रहा है, गैस में बदल रहा है, हम उसी पानी को बोतल में ले लेते हैं, फ्रिज में डाल के ठंडा करते हैं तो बर्फ में बदल जाता है, यानी कि तापमान घटा तो क्या हो जाता है, बर्फ, तापमान बढ़ा तो जलवाष्प। तो बता हमारे वातावरण में क्या होता है, हमारे वातावरण में क्या होता है, जलवाष्प होता है, ठीक है, क्या चीज होता है, जलवाष्प, तो हमारे वातावरण में जलवाष्प होता है।
आ जल वाष्प गर्म की ठंडा? गर्म। आ हम बोतल लाते हैं कैसा? हम कैसा बोतल लाते हैं बताओ, हम कैसा बोतल लाते हैं? हम जो स्प्राइट के बोतल लाते हैं वो कैसा लाते हैं, ठंडा या गर्म? ठंडा। और जल वाष्प क्या होता है, गर्म या ठंडा? गर्म। तो अब बताओ, जल वाष्प जो है जल के एक रूप है जो गैस में बदला है, वो क्यों? गर्मी के कारण। क्या चीज के कारण? गर्मी के कारण। हम उस गर्मियों को घटा दे रहे हैं तो वातावरण में हम क्या करते हैं, एक बर्फ अथी क्या लेते हैं, ठंडा बोतल लेते हैं, रख देते हैं। तब उतना दूर के जल वाष्प क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो वो अपना तो रूप में आ जाएगा कि हम तो गर्मी थे, गर्म के कारण क्या बने थे, जल वाष्प बने थे, हमें ठंडा कर दिया, हम लोग पानी बन, पानी बन जाता है कि नहीं? तो जल वाष्प क्या होता है, गर्म। आ गर्म होने के कारण हम क्या करते हैं, जैसे ठंडा बोतल लाए और रख दिए तो आसपास में जल वाष्प उड़ रहा था, वो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। पानी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि पानी ही ना जल वाष्प बना है। कहेगा कि सर आप तो बता रहे हैं कि गर्मी के कारण क्या बनता है, गर्मी देते हैं, उष्मा देते हैं तो जल क्या हो जाता है, वाष्प बन जाता है, आज जैसे फिर उसे ठंडा करते हैं तो पानी बन जाता है। तो क्या बताइए, बर्फ को आप बताइए ठंडा कर देते हैं, पानी को ठंडा कर देते हैं तो बर्फ बन जाता है, इसी के विपरीत कर दें, बर्फ को हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। अब समझ में आया? तो यही बात है। तो यहाँ पे देखिए, रीस रीस कर जो है से पूछा जाए कि पृथ्वी यानी कि भौम जल के स्तर गिरता है तो किसके कारण, तो कहिएगा कि उद्योगों के बढ़ने के कारण, बढ़ते जनसंख्या के कारण। क्या जी, वन उन पेड़ पौधा लगाया जा रहा है तो उसमें पानी पटाया जा रहा है, क्या जी खेती कर रहे हैं तो उसमें भी पानी यानी कि सिंचाई के लिए उसका यूज करते हैं कि नहीं? तो बताओ, बढ़ते उद्योग के कारण, जनसंख्या के कारण भौम जल के गिराव हो रहा है कि नहीं, भौम जल के स्तर में गिराव हो रहा है कि नहीं? तो इसे पुनः पूर्ति कौन करता है, बारिश। क्या बारिश? क्या बारिश के कारण। अब आप चालाकी क्या लगाइए, दिमाग क्या लगाइएगा, दिमाग यह लगाइएगा कि हम अपनी पृथ्वी के आसपास जो हम जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं, तो कुछ दूरी में क्या करेंगे, गहरा यानी कि तालाब खुदवा देंगे, और जो बारिश के पानी होगी वो एकत्रित होगी और या तो रीस का नीचा जाएगी और नहीं तो जल वाष्प। वो पुनः क्या होगी, ये नहीं होगी कि पुनः जो है मिट्टी मिट्टी में मिलकर, नहर से होते हुए, नदी से होते हुए जाकर कहाँ, समुद्र में मिलकर वो पुनः बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए, खारा पानी बन जाए। अगर उसे हम रोक लेते हैं तो जल वाष्प क्या होगी, धीरे धीरे करके वो पुनः बारिश के रूप में या तो भूमि के अंदर चले जाएगी, ठीक है, वो पानी बर्बाद नहीं होगी। लेकिन हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, पानी को बर्बाद कर देते हैं, नदी से होते हुए, नहर से होते हुए कहाँ चले जाती है, समुद्र में, या समुद्र में जाकर मिल जाती है तो समुद्र में हो जाती है खारा पानी, वो बेकार पानी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम लोग बताइए, भौम जल के स्तर उठाने के प्रयास किया जाए तो कैसे उठेगा, उठाने के अगर पूछा जाए कि भौम जल के स्तर कैसे उठेगा, तो ज्यादा बारिश होना, क्या चीज, ज्यादा बारिश होगा तो भौम जल का स्तर उठेगा, ठीक है, भौम जल के स्तर उठेगा। भौम जल के स्तर गिरेगा कैसे, तो हम क्या करेंगे, भौम जल, ठीक है, भौम जल के भागों में हम क्या करते हैं, सभी ज्यादा इसे निरंतर, इसे क्या कर, लगातार इसे क्या करते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, प्रयोग करते 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 क्या हो जाता है, ज्यादा इसका उपयोग कर लेते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, भौम जल के स्तर गिर जाती है। समझ में आ गया, चलिए उतर गया है, चलिए।